कुरेजा, क्या तुम लोग इस तरह रसूल अल्लाह के मुआहिदे की इताअत करते हो? वापस जाओ, इससे पहले कि हमारी तलवार उठ जाए, वापस जाओ। जहां तक इन ऊंट और माल की बात है, अल्लाह ने यह सामान अब हमें अता किया है। अगर तुम अपनी सलामती और गनीमत चाहते हो तो चले जाओ यहां से, चले जाओ। या बनी कुरेजा, हमारी नजर अब तुम पर है, देखते हैं कि तुम क्या करते हो। मोहम्मद ने हमसे वादा किया था कि वह हमें कैसर और किसरा के खजाने देगा, मगर हालत यह है कि मारे डर के हमें पेशाब के लिए जाने में भी डर लग रहा है। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, आओ अपने घरों को चलें। चलो वो खंडक तक ना पहुंच पाए, जाओ। ये तोहफा कबूल करो इब्न अल-आरिक की तरफ से। अल्लाह तुम्हारे चेहरे को जहन्नुम में गैरत कर दे। इस मर्दूद ने बड़ी रख पर वार किया है। या अल्लाह, अगर हमें कुरैशियों से फिर लड़ना पड़े उस लड़ाई तक मुझे जिंदा रखना। रसूल अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हारे खेमे में इनकी अच्छे से देखभाल हो, ले जाओ इन्हें। रुफैदा, औस कबीले में साद रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है। रसूल अल्लाह ने इन्हें तुम्हारी निगहबानी में दिया है, कोई कमी मत छोड़ना। इंशाल्लाह जरूर, पूरी कोशिश करूंगी। कौन हो तुम? नुएम इब्ने मसूद, गतफान से। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम जानते हो ना तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। क्या तुम उमर इब्ने अल-खत्ताब हो? मुझे रसूल अल्लाह के पास ले चलो। क्या कहा, मुस्लिम हो? या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या हिदायत है? मैं मुसलमान हूं लेकिन मेरी कौम ये नहीं जानती। अल्लाह के हुक्म से हो सकता है कि मैं आपके लिए खुशी का सबब बनकर आऊं। कुरैजा की कौम, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त और खैर ख्वाह हूं। सही कहा, हमें इसमें कोई शक नहीं। तो इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें नसीहत करने आया हूँ, अगर चाहिए मेरी कौम के खिलाफ ही क्यों ना हो। कुरैश और गफ्तान के हालात तुमसे बहुत बेहतर है, ये जान लो। ये शहर तुम्हारा अपना है और यहाँ तुम अपने खानदानों के साथ रहते हो, तुम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते।
कुरैश और गफ्तान के लोग मोहम्मद और उसके सहाबाओं से जंग करने के लिए आए हैं और तुम उनका साथ दे रहे हो। उनका शहर, जायदाद, बीवी, बच्चे यहां से बहुत दूर हैं, मगर तुम्हारी बात अलग है। कुरैश को अगर कब्जा करने का मौका मिला तो वो इसमें पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अगर उन्हें मौका ना मिला तो यहां से चले भी जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे ही इलाके में मोहम्मद के रहम और करम पर छोड़ जाएंगे। तो क्या तुम में मोहम्मद का सामना अकेले करने की ताकत है? मेरी नसीहत है कि तुम उन लोगों का साथ ना दो जब तक कि वो अपने बड़ों में से कुछ लोगों को बतौर जमानत तुम्हें हवाले ना कर दे। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुकाबले के लिए या अम्र, क्या तुमने खुदा का अहद नहीं किया था कि कुरैश का कोई इंसान दो इख्तियार में से तुम्हें एक चुनने को कहता है तो तुम चुनोगे? बिल्कुल, तो मैं तुम्हें एक अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम की दावत देता हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूं। क्यों भतीजे? वल्लाह ही मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि वल्लाह मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। चलो।
आप अच्छे से जानते हैं मैं आपका दोस्त हूँ और मोहम्मद की पैरवी नहीं करता। खैर ख्वाह होने के नाते मुझे आपका ख्याल है और मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, लेकिन किसी को इल्म ना हो कि मैं आपका जासूस हूँ, भरोसा रखो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद के साथ यजीदों ने फिर से मुआहदा कर लिया है और इसके लिए एक पैगाम मोहम्मद के पास भिजवाया है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं और ये भी कि अगर वो कुरैश और गतफान के कुछ बड़े लोगों को कत्ल करके आपके हवाले कर दें तो क्या आप उनसे राजी हो जाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो जंग में आप लोगों के खिलाफ मोहम्मद का साथ देंगे जब तक तुम्हें यहाँ से बाहर ना खदेड़ दें, और ये पेशकश कबूल की है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और खंदक की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। आओ हम मिलकर मोहम्मद के साथ जंग करते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। आज हमारा हफ्ते का दिन है और इस दिन हम कुछ नहीं करते, और वैसे भी मोहम्मद के खिलाफ तुम्हारा साथ इस जंग में हम हरगिज ना देंगे जब तक कि तुम बतौर जमानत अपने कुछ लोगों को हमारे पास नहीं छोड़ जाते। हमें डर है कि जंग आसान ना होगी और नतीजा अगर आप लोगों के खिलाफ गया तो आप लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाओगे। नुआम की खबर पक्की थी। अल्लाह ही, मैं अपना एक आदमी भी इनके हवाले नहीं करूंगा। नवाब इब्ने मसूद ने सच ही कहा था। अल्लाह ही, जब तक ये हमें जमानत ना दे दे हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। माशरा कुरेश, आप भी जानते हैं कि हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहर सकते। हमारे ऊंट और घोड़े तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ में यहूदी और कुरेजा भी अपना वादा नहीं निभा पा रहे। इन सर्द हवाओं ने भी बदहाल किया हुआ है। ना हम कुछ बना सकते हैं, ना पका सकते हैं और ना जला सकते हैं। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरा मशवरा है घर वापिस चलो। या रसूल अल्लाह, दुश्मन भाग रहे हैं। ऐ मुसलमानों, हुक्म रब्बी है नबी पर कि वो हथियार ना छोड़ें जब तक कि बनू कुरेजा पर चढ़ाई ना कर दें। तो नबी का फरमान सुनो, असर की नमाज कुरेजा के यहां पढ़ेंगे। मुझे धोखा दिया, मगर गलती मेरी ही है।
मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर मोहम्मद को हराए बिना फौज वापस जाती है तो तुम्हारी तकदीर मेरी तकदीर होगी। लो मैं आ गया, तुम्हारे होने से भी क्या फायदा। अब जल्दी ठीक हो जाएंगे साथ, अल्लाह आपको शिफा देगा इंशाअल्लाह। ये शहादत है इंशाअल्लाह। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, कुरैश के साथ अगर जंग बाकी हो तो मुझे जिंदा रखे। अल्लाह के करम से जंग खत्म हो चुकी है और मुझे शहादत मिली है। चूंकि अब दुश्मनों के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है वो अब हम पर हमला नहीं करेंगे। मैं मुतमईन हूं। यहां से इस्लाम नई बुलंदियों पर जाएगा और मुशरिकीन के हालात बदतर होते जाएंगे। मेरी रब से दुआ है कि मेरी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह साथ की मगफरत फरमाए। इन्होंने अपने अकायद पूरे किए और अल्लाह के हुकूक अदा कर दिए। इनकी वफात नबी की पैरवी करते हुए हुई। हमारा यकीन है कि अल्लाह इन्हें शहीदों में शुमार करेगा। जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। मातम ना करो उम्मे साथ, बल्कि सब्र से काम लो। ये अल्लाह की ही मर्जी थी। रहने दो या बिलाल, हर औरत का रोना सच्चा नहीं होता। साद इब्ने मौत के लिए रोने वाली औरतों के सिवा। आगे क्या होगा? आगे क्या? सुबह से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं क्या कहूं। लोग जा चुके हैं, या तो मौत हो चुकी है या मोहम्मद और उनके साहबाओं से जाकर मिल गए हैं। जैसे कल की ही बात हो, हम अपने बड़ों के साथ अंदर बैठा करते थे। मोहम्मद और उसके दीन के बारे में बहस किया करते थे कि कैसे इसको जड़ से खत्म करें। और इस कल को जानते भी हो, 19 साल हो चुके हैं। ये कुदरत का निज़ाम है कि मौजूदा हालात ज़्यादा वक्त तक कायम नहीं रहते। अगर हम उन्हें लोगों के पास जाने से न रोकते तो दो बातें हो सकती थी। या तो अरब उन्हें हरा देते, और अगर उन्हें फतह मिलती तो लोग ज्यादा या इज्तमाही तौर पर उनके दीन में दाखिल होते। और अगर ऐसा होता
तो वक्त तो नहीं था जब आप उन्हें और उनके साहबाओं को काबे का तवाफ करते हुए देखते और यहाँ एक भी बुत सलामत ना रहता। तो अब क्या सोच रहे हो? हिजरत की मोहम्मद के पास? नहीं, अरब और कुरैश से कहीं दूर। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं इनमें से किसी का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता जो मोहम्मद अरब और कुरैश के बीच चल रहा है, जब तक कि इसका फैसला ना हो जाए। अगर उनकी मुखालिफत करना गलत है तो मैं इससे दूर रहूंगा, और अगर सही है तो ये मैं पहले ही कर चुका हूं। ऐसे वक्त पर छोड़कर गया है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये तो हमें नीचा दिखाने वाली बात है। वो बुज़दिल हो चुका था। उसे लगा होगा कि हमारे रवैये की वजह से मोहम्मद हम पर हमला करेगा। अपने दोस्त के बारे में गलत बयानी ना करो, वो यहाँ नहीं है। वो मेरा दोस्त नहीं है। इंसान की असली पहचान पूरे वक्त नहीं होती है। उसे कभी मुंह छुपाते नहीं देखा। उसकी कोई अपनी वजह रही हो? मुझे नहीं लगता इसकी कोई वजह है। वजह वही है जो इकरमा ने कहा। वो दूर जाकर हमारे और मोहम्मद के मामला देखना चाहता है। अगर हम जीते तो वो आकर यही कहेगा कि मैं तुम्हारा पुराना साथी हूँ, और मोहम्मद जीता तो हमसे अलग होने की यही वजह वो मोहम्मद के सामने पेश करेगा। क्या बात है, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो उमर इब्ने अल-खत्ताब। कैसे ना हो, जब रसूलुल्लाह हमें खुद मक्का ले जा रहे हैं उमरा के लिए। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उन्होंने ये सबको बताने का हुक्म दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कुरैश का क्या? भूल जाओ उन्हें। रसूलुल्लाह ने अपने ख्वाब में देखा है, देखा कि वो हमारे साथ मक्का जा रहे हैं। उनका ख्वाब हमेशा हक रहा है। चलने के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। ये बुदैल इब्ने वरका है, मोहम्मद के पास से वापस आ रहा है। देखते हैं हमारे लिए क्या खबर लाया है। कुरैश के लोगों,
वल्लाही मोहम्मद के साथ जबरदस्ती ना करो। हम उनसे मिले हैं, बातचीत की है। वो यहाँ जंग के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ यहाँ काबे की ज्यारत और उमरा के लिए आए हैं। इसी में ही सबकी भलाई है। मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारी बात समझनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुरेश की कोई शर्त है तो वो उसे भी मानेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें उमरा के लिए जाने दिया जाए। तो अपने साथ हथियार किस लिए लाए हैं? एहतियात के लिए, ताकि तुम लोग हमला ना कर दो। हाँ, करेंगे। अगर उसने शहर में घुसने की कोशिश की तो, चाहे वो जंग ना करने की गर्ज से ही क्यों ना आया हो, वल्लाही वो हमारे शहर में जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सकता। और इस पर अरबों को भी कोई एतराज ना होगा। हम तो तुम्हारे बीच अमन अमान और सुलह चाहते हैं। हमें मालूम है कि तुम्हारे ताल्लुकात मोहम्मद के साथ अच्छे हैं और तुम उन्हें हमारे बारे में खबरें भी देते हो। तुम जा सकते हो, हमें तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं। वो लोग बैतुल हरम की ज़ियारत के लिए आए हैं, क्या तुम उन्हें जाने नहीं दोगे? अगर ऐसा किया तो अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, चाहे तुम्हारा दिन एक ही क्यों ना हो। वो कहेंगे कुरैश कब से काबा को अपनी मिल्कियत समझने लगे, जबकि ये पूरी इंसानियत के लिए है। हम कुरैश की इज्जत करते हैं क्योंकि वो काबा के रखवाले हैं, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त ना करेंगे कि वो काबे को अपनी मिल्कियत मान लें। और अगर कल अरब और कुरैश के बीच इख्तलाफ पैदा हुए तो क्या कुरैश उन्हें भी काबे की ज़ियारत से रोकेंगे? जा रहे हो अब अजंदल? तो क्या ऐसे वादा खिलाफी करोगे अगर बाहर जाने दूंगा? काश मैं भी भाग जाता जैसे मेरा भाई रसूल अल्लाह के पास गया। लेकिन तुम तो अब्दुल्ला नहीं हो। आपका मतलब ताकत और कुव्वत में मैं उनसे कम हूं? जो समझना है समझो, लेकिन तुम जंजीरों में बंधे हो क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। अगर मेरी बात मानते तो ऐसे जंजीरों में ना बंधे होते। लेकिन जो तुमने कहा, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर भी भाई की तरह कुव्वत और ताकत होती तो तुम भी बेड़ियों में ना बंधे होते। तो अब दो ही बातें हैं, या तो मेरी बात मानो और या अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन तुम तो दोनों के बीच में हो। अब ना तो मुझे तुम्हारी फर्माबरदारी पर फख्र है और ना ही तुम्हारे मजबूत इरादे पर कोई शक। तुम जो चाहो वो समझो। मैं कैसे इस वादी में अपनी रात गुजारूंगा जबकि इतखार और जलील मेरे करीब हैं? क्या मैं कभी मिजाना के कुएं देख पाऊंगा? और क्या मैं अपनी आंखों से शामा और तफील देख पाऊंगा? बस करो बिलाल, बस करो, तुमने आंखों में आंसू ला दिए। मक्का से इतनी मोहब्बत ने हमारे शौक को उभारा है। हम मक्का से थोड़े ही फासले पर हैं, वहां की हवा हमारी सांसों में घुल रही है। कुरैश हमसे उसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उरवा इब्न मसूद अल तखाफी है, उसकी माँ सुबैया बिनते अब्द शम्स है। वो जरूर कुरैश की तरफ से हमारे लिए पैगाम लाया है। कैसे आना हुआ उरवा? मैं मोहम्मद से बात करना चाहता हूँ। या मोहम्मद,
आप कैसे अनजान लोगों की जमात लेकर यहाँ आए हो और अपने ही कौम और कबीले वालों से जंग करना चाहते हो? वो शेर की खाल में कुरेश हैं। अल्लाह का अहद क्या है कि ज़बरदस्ती आपको मक्का में ना घुसने देंगे? वल्लाह ही मैं देख सकता हूँ कि आपके ये साहबा आपका साथ छोड़ देंगे। ना मुंह काला करो ना पाक इंसान, अब तुम बताओगे कि हम रसूल अल्लाह को छोड़ देंगे? वल्लाह अगर माजी में तुमने मेरा साथ ना दिया होता फिर मैं तुम्हें बताता। या माशरा कुरेश, मैंने फारस के बादशाह को भी देखा है, रोम की ताकत भी देखी है और नजाशी का निजाम भी देखा है, लेकिन मैंने पहले कभी भी लोगों के बीच ऐसा बादशाह नहीं देखा जैसे मोहम्मद अपने सहाबाओं के बीच है। मैंने देखा है कि वो लोग उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मर्जी आपकी। आने के लिए बहुत शुक्रिया उस्मान। अबान, आपके आने की इत्तला हमें मिल गई थी कि आप सैयद कुरेश से मिलना चाहते हैं। वो आपका इंतजार दारुल नदवा में कर रहे हैं। आप मेरे साथ आए, आप मेरी हिफाजत में हैं। आपने जो कहा हमने सुना उस्मान। हम जानते हैं कि आप लोग हमसे जंग करने नहीं आए हैं, लेकिन ये हमारे लिए आसान नहीं कि आप हमारे शहर में दाखिल हों, जबकि सारा अरब इस खबर से मुखातिब है और हमने आपको रोकने का अहद किया है। अब अगर हमने हाँ की तो ये हमारी बेइज्जती होगी, लेकिन तुम यहाँ ठहर सकते हो जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। उस्मान अब तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। आपको लगता है कि उन्होंने उनको बंदी बनाया है? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग का ऐलान है। उन्होंने उनका कत्ल किया है। उस्मान का कत्ल हो चुका है। अल्लाह उन सबको कत्ल कर दे। क्या क्या बात कर रहे हो? हमारा एक मुखबिर अभी मक्का से लौटा है और उसने रसूल अल्लाह को उस्मान के गायब होने की खबर दी है। रसूल अल्लाह का फरमान पहुँचाने के बाद ये खबर सारे मक्का में आम है कि उनका कत्ल हो चुका है। तो फिर ये एक जंग है। यही कहा रसूल अल्लाह ने भी कि जब तक हम जंग ना करेंगे वापस ना जाएंगे। उन्होंने उस पेड़ के करीब इकट्ठा होने को कहा है ताकि हम अहद ले सकें कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप लोगों को इकट्ठा करें उमर, आपकी आवाज सबसे बुलंद है। ए लोगो, जरूरी यह नहीं कि खबर कैसे उड़ी, जरूरी यह है कि हमें सच्चाई बतानी होगी इससे पहले कि बात हमारे हाथ से निकल जाए। आप सब तो जानते ही हैं कि मोहम्मद और उनके साहबाओं ने अहद किया है कि उस्मान ना मिले तो वो हमसे जंग करेंगे। तो करने दो, ये तो होना ही था। ना वल्लाह, अगर इससे बचने का रास्ता है तो हम जंग नहीं करना चाहते। खालिद ने बिल्कुल सही कहा, अगर वो शुरू करते तो हम उनसे जंग जरूर लड़ते। उनकी जंग करने की कोई तमन्ना ना थी जब तक कि उस्मान के कत्ल होने की झूठी खबर आग की तरह ना फैल गई। हमें उस्मान को फौरन भेजना होगा। हम अरबों को अपने खिलाफ करके पहले ही काफी नुकसान उठा चुके हैं क्योंकि हमने मोहम्मद को बैतुल हरम में दाखिल नहीं होने दिया। तो अमन की बात करने आए उस्मान कत्ल होगा ये जानकर वो लोग तो भड़क ही जाएंगे। वल्लाह और कुछ नहीं बल्कि सारे अरबों को हमने अपने खिलाफ गवाह बना लिया है और हमारी अहमियत मोहम्मद के मुकाबले कम हो गई है। वल्लाह अगर आप उन्हें अपने साथ जंग के लिए बुलाते हो तो वो नहीं आएंगे, और अगर मोहम्मद जबरदस्ती मक्का में घुसने की कोशिश करें तो हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। खालिद इब्न अल वलीद, हमारी फौज का सिपहसालार अब हमें बता रहा है कि मोहम्मद के खिलाफ ना खड़े हों। रहने दो अबू सुफियान, अब सुलेमान ने बिल्कुल हक बात कही है, अकलमंदी से ही फतह हासिल होती है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? ना तो तुम लड़ना ही चाहते हो और ना ही तुम उसे बैतुल हरम की ज्यारत करने देना चाहते हो, तो चाहते क्या हो? सुहेल इब्न अम्र, ये जरूर हमारे बीच सुलह के लिए आया है।
कोई करार हुआ? हाँ मुझे लगता है। क्या लगता है? जो भी कुछ हुआ हमें उसे लिखना होगा, कल लिखा जाएगा और गवाह उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। आप लोग खुश क्यों नहीं है? या अबाबकर, क्या वो रसूलुल्लाह नहीं है? बिला शक। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या वो सब मुशरिक नहीं है? हैं। तो वो सब क्यों कबूल किया गया जिससे दीन में नुकसान है? तो हम बिना ज्यारत के ही क्यों जा रहे हैं? हम उनसे ताकतवर हैं और ज्यादा कुव्वत रखते हैं। हम अगले साल दाखिल होंगे इंशाल्लाह। तो अगर अब कोई कुरैश से इस्लाम कबूल करने आता है बिना अपने वालिद की इजाजत लिए, तो हमें उसे वापस भेजना होगा। और अगर कोई इस्लाम से कुरैश की तरफ जाता है, उसे कोई इजाजत नहीं लेनी होगी। ये कैसे हो सकता है? या उमर, वो अल्लाह के रसूल है, वो वही करते हैं जो अल्लाह हुक्म देता है, तो वो जो कुछ कहें उसे बिला शक मान लो। यमन का करारनामा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और सुहेर इब्न अम्र के बीच, दोनों ने माना है अगले 10 साल तक जंगे बंदी रहेगी। इस दौरान अमन अमान और सुकून रहेगा और कोई एक दूसरे पर हमला ना करेगा। अगर कोई भी कुरैश से वालिदैन की इजाजत के बगैर मोहम्मद की इताअत करता है तो उसे कुरैश को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मोहम्मद की तरफ से कुरैश से जाकर जुड़ता है तो उस पर यह पाबंदी ना होगी। जो कोई भी मोहम्मद के साथ मुआहदा रखना चाहता है वो रख सकता है, और जो कोई भी कुरैश के साथ मुआहदा रखना चाहता है वो रख सकता है। आप लोग गवाह हैं कि मैं और मेरे खोजा कबीले के लोग मोहम्मद के साथ हैं, और हम बकर कबीले के लोग कुरैशियों के साथ हैं। इसके अलावा मोहम्मद और उनके साहबा इस साल मक्का में दाखिल हुए बिना ही वापस लौट जाएंगे। अगले साल कुरैश शहर खाली करेंगे और मोहम्मद और उनके साथी वहां 3 दिन तक रहेंगे। अपने साथ सिर्फ सफर का सामान लाएंगे और कोई असला ना होगा, यानी तलवार भी मयान में होगी। मुआदे के गवाह कुरैश की तरफ से सुहेल इब्ने अम्र और मरकज इब्ने हफ्स हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से अबू बकर अल सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल रहमान इब्न औफ, मोहम्मद इब्न मसलमा, अली इब्न अबी तालिब और अब्दुल्लाह इब्न सुहेल इब्न अम्र। कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, वल्लाही अगर हमारा यकीन न होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो फैसला लेते हैं वो अल्लाह का हुक्म है, और ये यकीन न होता कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, तो जो भी इस इंसान ने कहा है मैं उस पर कभी रजामंद न होता। या माशा है मुस्लिमीन, या माशा है मुस्लिमीन, मैं बचकर आ गया हूं, मुझे पना दे दो, मुझे पना दे दो, मैं बचकर आ गया हूं। तुम्हारे आने से पहले ही हमारे बीच मुआहदा हो चुका है। या माशा अल मुस्लिमीन, मुझे वापस इन मुशरिकीन के पास लौटाया जा रहा है, मेरी मदद करो। रुक जाओ अबू जंदल, रसूल अल्लाह के हुक्म से हमारे और इन लोगों के बीच में सुलह का मुआहदा हुआ है और अब हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने मुझे खुशखबरी देने को भी कहा है कि मैं आपको बता दूं। सब्र रखें अबू जंदल, अल्लाह आपके लिए जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा। सब रखे अबू जंदल, मेरा भाई अबू जंदल ऐसा ही है, हमेशा देर से आता है।